बहुत खुशी है, हम सब प्रयागराज में ही पैदा हुए हैं और प्रयागराज जब उन्नति करता है और कहीं पुरस्कृत किया जाता है तो सचमुच दिल में बहुत खुशी होती है। और अभी जो ये पुरस्कार वितरण हो रहा है ये भारत सरकार के द्वारा हो रहा है और इसमें प्रयागराज शहर को फ्री गार्बेज सिटी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और पूरे 1850 शहरों में जहाँ की आबादी 10 लाख के ऊपर है उसमें प्रयागराज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये बड़ी बात है कि 1850 शहर जहाँ पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उसमें प्रयागराज अपना वरीयता का स्थान में है, तो लोगों का बहुत भागीदारी था, सभी जनता ने, हमारे नागरिकों ने, जनमानस ने बहुत सहयोग किया इसमें और हमारे नगर निगम के अधिकारीगण सभी ने बहुत सहयोग दिया, माननीय पार्षदगणों ने सहयोग दिया, तब आज ये मुकाम हासिल हुआ है। और गार्बेज फ्री सिटी में हमारा शहर जो है वो कूड़े का 100% निस्तारण करता है, जिसमें हम जो मलवा रहता है उससे भी CND वेस्ट है, उससे हम इंटरलॉकिंग बनाने का काम कर रहे हैं और जिसे लगाने का भी 30% हमने प्रावधान कर रखा है। और दूसरा जो हमारा प्लास्टिक है उससे हम डीजल बनाने का काम कर रहे हैं और बचे हुए से कोल और प्लास्टिक बॉल्स बनाते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा बचा हुआ कूड़ा होता है उससे हम जैविक खाद बनाते हैं और घर से कूड़ा लेने के साथ साथ शहर में हम धीरे धीरे करके कूड़े अड्डे पूरी तरह ख़त्म करने का भी कोशिश कर रहे हैं और अधिकतर काफ़ी कूड़े अड्डे हमने ख़त्म भी कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ बचे हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे। ग्रीनरी पर हमने बहुत जोर दिया है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज शहर जो कभी 356 नंबर पे आता था स्वच्छ रैंक में, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन पर, उनके दिशा निर्देश पे, उनके सहयोग पर और सभी के सहयोग पर, पूरे प्रयागराज की एक एक जनता के सहयोग पर हम सब ने ये किया है। और बहुत सहयोग हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का और नगर विकास मंत्री जी का है जिन्होंने हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित किया है और पूरा नगर निगम का टीम और लोग बहुत मन लगाकर काम किए हैं।